गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट। सो इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स क्या होते हैं बेसिकली? जहाँ पे देयर इज रेपिटेशन, ठीक है, and the focus is on products themselves, ठीक है। तो focus is not on processes, but the focus is on the product itself, ठीक है। So they are basically, the repetitive and product oriented layouts are typically organized around products or families of similar high volume low variety product, ठीक है। तो repetitive and product oriented layouts they are basically designed for क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि जो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और अगेन इसमें देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ टास्क, ठीक है, टास्क की रेपिटेशन होती है, ठीक है। एंड इट इज रेपिटेटिव प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स आर डिजाइंड फॉर हाई वॉल्यूम एंड लो वराइटी प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो लेकिन उनमें ज़्यादा वराइटी ना हो, ठीक है। So you can use a repetitive and product oriented layout if you think that volume is adequate for high equipment utilization, ठीक है। अगर आपकी फैक्ट्री का लेआउट ऐसा है, काफ़ी जगह है, ठीक है, एंड आप हाई क्वालिटी इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, देन यू कैन यूज रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स, ठीक है। उसके अलावा एक और क्राइटेरिया है फॉर यूजिंग रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली ऑल द क्राइटेरिया, यानी कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, ये जो चार पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, देन यू कैन थिंक अबाउट यूजिंग अ रेपिटेटिव प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। सो रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड स्टेबल हो, ठीक है। बिकॉज रेपिटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स दे रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, बिकॉज उसके लिए एक स्पेशलाइज तरह का इक्विपमेंट चाहिए होता है जो महंगा आता है, तो ठीक है। तो प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होनी चाहिए कि आप हाई इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सकें। उसके अलावा अगेन इट इज़ दिस टाइप ऑफ लेआउट इज मेंट फॉर प्रोडक्ट्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड और अप्रोचिंग अ फेज ऑफ लाइफ दैट जस्टिफाइज दिस हाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरह के लेआउट के लिए यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि आपकी जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई है या मशीनरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो आसानी से मिल जाए और दे आर ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स में दो तरह की लाइन्स होती है, फैब्रिकेशन लाइन है और एक असेंबली लाइन, ठीक है। फैब्रिकेशन लाइन क्या होती है? जहाँ पे कंपोनेंट्स, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है ऑन डिफरेंट मशीन्स, ठीक है। एंड इसको जो फैब्रिकेशन लाइन है, इसको इट इज रन बाय मशीन्स, ठीक है, ठीक है। और इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस टू फैब्रिकेशन लाइन तो इट रिक्वायर्स इंजीनियरिंग चेंजेस। असेंबली लाइन क्या होती है? असेंबली लाइन इज बेसिकली, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, असेंबली लाइन वो जगह है जहाँ पे पार्ट्स को बेसिकली असेंबल किया जाता है, ठीक है। फैब्रिकेशन लाइन में पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं या पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है फैब्रिकेशन लाइन। लेकिन असेंबली लाइन में मैन्युफैक्चरिंग का काम इतना नहीं है, बेसिकली असेंबली लाइन में ये होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, ठीक है, उनको हम फैब्रिकेटेड पार्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो असेंबली लाइन में जो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो चुके हैं दे आर पुट टुगेदर एट अ सीरीज ऑफ वर्क स्टेशन, ठीक है। असेंबली लाइन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू वर्क स्टेशन, हर वर्क स्टेशन पे एक अलग किस्म की जॉब परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। तो उन जॉब्स के जरिए जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो बन चुके होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप असेंबल करेंगे ऑन असेंबली लाइन, ठीक है। और असेंबली लाइन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क टास्क, ठीक है,
और ये वर्क टास्क ही डिसाइड करते हैं कि असेंबली लाइन कैसी होगी। असेंबली लाइन का जो बैलेंस है इट इज़ मेंटेन बाय मूविंग टास्क, ठीक है, टास्क विच आर मूविंग, ठीक है, एंड इट्स नॉट रियली द बैलेंस इज नॉट रियली मेंटेन बाय मशीनरी और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो असेंबली लाइन जो है वो एक फैब्रिकेशन लाइन से ज़्यादा सिंपल होती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन दोनों लाइंस को हमने इस तरह से इस्तेमाल करना होता है दैट कि हम चाहते हैं कि फैब्रिकेशन लाइन पे भी कम से कम टाइम लगे, ठीक है, पहले फैब्रिकेशन लाइन आएगी उसके बाद असेंबली लाइन आती है, ठीक है। हम चाहते हैं फैब्रिकेशन लाइन पे भी कम से कम टाइम लगे और असेंबली लाइन पे भी कम से कम टाइम लगे, ठीक है। तो लेआउट डिज़ाइंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री लेआउट की बात करते हैं, तो हमने इस चैप्टर के शुरू में भी थोड़ा डिस्कस किया था। तो हमारा बेसिकली फोकस ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें इन मिनिमम टाइम। ठीक है, एक तो फोकस ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम कर सकें, ठीक है। उसके अलावा जो डिफरेंट वर्क स्टेशन होते हैं, ठीक है, स्पेशली इन एन असेंबली लाइन, ठीक है, असेंबली लाइन तो होती है डिवाइडेड टू वर्क स्टेशन, ठीक है। तो हमारा पर्पज़ ये होता है कि हर वर्क स्टेशन पे उतना ही टाइम लगे, ठीक है, ऐसा ना हो कि वर्क स्टेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो और दूसरे पे बहुत कम लग रहा हो, ठीक है। तो देर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम, विच मीन्स कि हर वर्क स्टेशन पे एक जैसा टाइम लगे, ठीक है, ठीक है। तो कुछ एडवांटेजेस हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। इसके जो ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं दे आर रिलेटेड टू कॉस्ट, ठीक है। हमने कहा था कि प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स में जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, सेटअप कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स में उल्टा है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स में यू हैव लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। आई होप आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच चेंज विद चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लो होती है, उसके अलावा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लो होती हैं, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट और बेसिकली कॉस्ट टू हैंडल द मटेरियल, ठीक है, यानी कि अपने मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, दे आर व्हाट वी कॉल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज लो होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रेनिंग ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स के लिए, ठीक है। सो ट्रेनिंग इज़ ईजी, सो ट्रेनिंग कॉस्ट इज अगेन लो, ठीक है, एंड वी हैव रैपिड थ्रूपुट, ठीक है, देयर इज़ अ रैपिड थ्रूपुट, ठीक है। सो प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स में यू कैन प्रोड्यूस एट अ फास्टर पेस बेसिकली, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, ठीक है। एक मेजर डिसएडवांटेज तो ये हमने कहा था कि सर्टेन रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी मेट इफ़ यू वांट टू हैव अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट, ठीक है। उस उन रिक्वायरमेंट्स में एक चीज़ ये भी थी कि डिमांड नीड्स टू बी स्टेबल, ठीक है, और डिमांड हाई होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, इतनी हाई होनी चाहिए दैट कि यू कैन जस्टिफाई इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट, ठीक है। सो यू टिपिकली रिक्वायर हाई वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट, मीनिंग दैट यू नीड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन हाई वॉल्यूम्स, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे वर्क स्टॉपेज हो, यानी कि काम रुक जाए, तो इट बेसिकली अफेक्ट्स द होल ऑपरेशन, ठीक है, सारे ऑपरेशन को स्लो डाउन कर देता है इन प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स, ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड उल्टा होता है कि एक जगह अगर कोई मसला हो जाए, ठीक है, इट डज नॉट स्टॉप द एंटायर प्रोसेस, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ओरिएंटेड में थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि एक जगह अगर कोई काम रुक जाए तो सारा काम ही रोक देता है। फ्लेक्सिबिलिटीज में कम, बिकॉज यू आर कैन ओनली मैन्युफैक्चर लो वराइटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, नॉट हाई वराइटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये मैकडॉनल्ड्स की असेंबली लाइन दिखाई गई है, ठीक है। असेंबली लाइन इज डिवाइडेड टू डिफरेंट टास्क, ठीक है। तो टास्क नंबर वन इज द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, टास्क नंबर टू इज़ बन टोस्टिंग, ठीक है। तो दिस इज़ एन ऑर्डर फॉर मेकिंग अ बर्गर, ठीक है। तो एक बर्गर की असेंबली लाइन बताई गई,
पहली जो टास्क होती है वो ऑर्डर टेकिंग है, उसके बाद बन टोस्टिंग है, इस द सेकंड टास्क न्यू के बन को टोस्ट किया जाता है। नंबर थ्री इज असेंबली विद कॉन्डिमेंट्स, ठीक है। नंबर फोर इज रैपिंग अप ऑफ पैटी विद बन, ठीक है, यानी कि वो जो चिकन पैटी या बीफ पैटी होती है उसको बन में आप रैप अप कर देते हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर जो है कस्टमर को फौरन फौरी तौर पर दिया जाता है, यानी कि द कस्टमर पिक्स अप द ऑर्डर इमीडिएटली, ठीक है, ताकि वो फ्रेश कस्टमर को मिले, ठीक है। सिक्स द लास्ट टास्क इज कस्टमर सर्विस, ठीक है। कस्टमर बेसिकली अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं एंड ही मेक्स द पेमेंट, ठीक है। तो हर टास्क पे जितना टाइम लगता है द टास्क टाइम इज ऑल्सो गिवन एंड एलैप्स टाइम इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। पहली टास्क पे जो एलैप्स टाइम है वो जीरो है, देर इज नो टास्क टाइम, ठीक है। सो दूसरी टास्क से वो टास्क टाइम भी गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरी टास्क पे जो टास्क टाइम है वो 11 सेकेंड्स है और ये आपका लैप्स टाइम है, ठीक है। लैप्स टाइम बेसिकली क्या है कि टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो टास्क टाइम है दैट इज द टाइम इट टेक्स टू डू टास्क नंबर टू, यानी कि बर्न टोस्टिंग में जो टाइम लग रहा है दैट इज 11 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब टास्क नंबर थ्री पे आ जाए, असेंबली विद कॉन्डिमेंट्स, ठीक है। असेंबली विद कॉन्डिमेंट्स इज बेसिकली दे आर असेंबलिंग ओवर हियर, ठीक है। तो कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, फ्लेवर के लिए जो चीज़ें ऐड की जाती हैं लाइक सॉल्ट हो गया, मस्टर्ड हो गया, चार हो गया, दूसरी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं बर्गर पे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं असेंबली विद कॉन्डिमेंट्स, ठीक है। तो टास्क नंबर थ्री को अगर देखें असेंबली विद कॉन्डिमेंट्स, इसका टास्क टाइम इज 20 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन जो टोटल एलैप्स टाइम है यानी कि पहली टास्क लेके अभी तक वो है 31 सेकेंड्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 20 प्लस 11। टास्क नंबर फोर पे आ जाए, टास्क नंबर फोर पे आपका जो टोटल टास्क नंबर फोर है क्या रैपिंग अप ऑफ पैटी विद द बन, ठीक है, यानी कि आप बन में पैटी डालते हैं, ठीक है। टोटल टास्क टाइम कितना है 14, ठीक है। टास्क नंबर फोर का टोटल टास्क टाइम है 14, ठीक है। और जो एलैप्स टाइम है दैट इज 14 प्लस 31, टोटल लैप्स टाइम हो जाएगा 45 सेकेंड्स, ठीक है। तो टास्क नंबर फाइव पे आ जाए, देर इज नो टाइम, ठीक है, इस पर टाइम की गिनती नहीं है। द थिंग इज के ऑर्डर नीड्स टू पिक अप इमीडिएटली, ठीक है। तो इसका जो टास्क टाइम है इट शुड बी जीरो, ठीक है, यानी कि इस पर कोई टाइम लगना नहीं चाहिए, जैसे ही ऑर्डर तैयार हो कस्टमर को दे दिया जाए, ठीक है। और जो टास्क नंबर सिक्स है दैट इज ऑर्डर रिसीविंग एंड पेमेंट, इसका टास्क टाइम 45, ठीक है। जो टोटल एलैप्स टाइम है इन सारी टास्क परफॉर्म करने में दैट इज 1 मिनट 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये खासा क्विक टाइम है, ठीक है, यानी कि आप इतने टाइम में एक बर्गर बना के कस्टमर को दे भी लेते हैं और उससे पेमेंट भी ले लेते हैं, ठीक है। इट्स क्वाइट क्विक, यानी कि इट्स क्वाइट क्विक, ठीक है। तो ये नीचे जो है आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं, ठीक है। ये अगर आप कोई मैकडोनल्ड्स के अंदर जाएं तो यू कैन सी उनका प्रोसेस किस तरह काम करता है, ठीक है। तो दे विल बेसिकली एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर आके किचन में जाता है, ठीक है। डिस्प्लेस लगे होते हैं तो जो किचन में लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्डर नंबर देख के उसके हिसाब से दे कैन सी वॉट इज़ द नेक्स्ट ऑर्डर और उस ऑर्डर को बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये बंस पड़े हुए हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। तो बंस को उठा के फिर वो टोस्ट करेगा, टोस्ट करने के बाद बन में कॉन्डिमेंट्स लगाएगा, ठीक है, जैसे कि सॉसेज हो गई या कोई सॉल्ट है, पेपर वगैरह हो गया, ठीक है। नंबर फोर पे आ जाए इट विल और चिकन पैटी को बन में रैप अप करेगा, ठीक है, यानी इसको बन में रखेगा। फिर टास्क नंबर फाइव आ जाए, ठीक है। टास्क नंबर फाइव जो है ऑर्डर जैसे ही बन गया था कस्टमर को दे दिया जाता है, कस्टमर शुड पिक इट अप, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर पड़ा भी रहे तो वो गर्म रहता है, ठीक है। तो बेसिकली काउंटर ही होता है,
लेकिन उनका काउंटर इस तरह डिजाइंड होता है कि ऑर्डर वहाँ पे ज़्यादा, अगर कुछ देर पड़ा भी रहे तो जल्दी ठंडा नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट स्टेप इज नंबर सिक्स। तो यहाँ पे काउंटर पे बंदा बैठा होता है, वो कस्टमर को ऑर्डर देता है और वो पेमेंट रिसीव कर लेता है। ठीक है, सो दैट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें एक चीज और है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, सो For now, thank you so much. Bye.